थाली का बैंगन आपने सुना है? थाली का बैंगन वो होता है जिसको अगर एक थाली में रख दिया जाए तो बैंगन आपने देखा है कि नीचे से उसका बेस नहीं होता ज्यादा, तो कभी वो बेचारा इधर लुढ़कता है, कभी वो बेचारा उधर लुढ़कता है। तो रमीज राजा भी जो है वो थाली के बैंगन ही हो गए हैं। कभी वो पाकिस्तान की तरफ डोल लेते हैं और कभी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ डोल लेते हैं, जहां उनका मन होता है वहां डोल लेते हैं। बहुत डोले हुए इंसान है रमीज राजा। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, में हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए रमीज राजा हर जगह जिसकी आलोचना हो रही है, मतलब अब तो आलोचना को भी शर्म आ गई होगी कि मैं रमीज राजा को हो रहा हूं, मतलब इतनी आलोचना हो रही है, इतनी आलोचना हो रही है। कभी ये शख्स जो है हिंदुस्तान की तारीफ करेगा, तारीफों के पुल बांधेगा, और कभी हिंदुस्तान को इतना भला बुरा कह देगा कि भैया हम पाकिस्तानी जो है वो आपसे ऊपर है, हम वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचे लेकिन आप नहीं पहुंचे। तो कभी तो जो है बिल्कुल आलोचना कर देंगे और कभी नहीं होते बिल्कुल अच्छे से बांध कर अच्छे से आपका जो है तारीफ ये कर देंगे। तो बिल्कुल थाली के बैंगन हो गए हैं अब, लेकिन इस बैंगन का नया रूप हमें सामने हमें दिखा है। रमीज राजा ने अभी रिसेंटली सुनो टीवी, आपको बता दे पाकिस्तान का ये शो है सुनो टीवी, इसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया। तो रमीज राजा ने उस दौरान कहा कि भैया ये जो वकार यूनिस और वसीम अकरम, आप जानते हैं दोनों ही आक्रामक तेज गेंदबाज पाकिस्तान के, आपको याद होगा इन दोनों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, उसके बाद जो है वसीम अकरम को कप्तानी से हटा दिया गया था, और साथ ही साथ वकार यूनिस पर, मतलब जब ये रिपोर्ट पूरा मीडिया में उछल गई थी तो वकार यूनिस के ऊपर भी जो है बैन लगा दिया गया था। हालांकि कुछ टाइम बाद इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने वापसी करी, और उसके बाद वकार यूनिस तो भैया दो बार के हेड कोच हैं हमारे पाकिस्तान के, तो इसीलिए। बट इसी सिलसिले में रमीज राजा से पूछा गया कि आप इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो रमीज राजा ने पाकिस्तान को ही आड़े हाथों ले लिया। अभी तक इंडिया की आलोचना करते थे लेकिन अब जो है पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया, मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप जिस थाली में खा रहे हैं आप उसी थाली में छेद करे जा रहे हैं। तो रमीज राजा ने एग्जैक्टली क्या बोला है अपने पाकिस्तान मुल्क के बारे में, उनके खिलाड़ियों के बारे में, देखिए। रमीज राजा है थाली का बैगन। देखिए रमीज राजा के बिगड़े बोल कुछ यूं है, मतलब कुछ इस प्रकार से हैं कि भैया इन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से किसी को भी वापस आने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। अगर वसीम अकरम का नाम उसमें था और वो सही से सहयोग नहीं कर रहे थे तो ये बॉर्डरलाइन केस है। अगर मुझे फैसला लेना होता उस वक्त तो मैं उन्हें हमेशा के लिए बैन कर देता। आप उनको सिस्टम में लेकर आए, मैं उस वक्त पावर में नहीं था। हमें उनके साथ खेलने और काम करने के लिए कहा गया था। किसी को नहीं पता था कि इस मामले को कैसे सुलझाना है, इसमें कई सारे लोग शामिल थे, मुझे नहीं पता है कि उस वक्त क्या मजबूरियां थी। तो देखा आपने, रमीज राजा ने कह दिया कि भैया मैं इन दोनों को, यानी वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को ये बैन कर देते अगर ये पावर में उस टाइम पे होते। तो इन्होंने पावर में रहकर भी आई एम सो सॉरी बट कुछ नहीं उखाड़ा है, ठीक है। इनके नेतृत्व में, इनके गाइडेंस में पीसीबी ने बहुत तरक्की करी। पीसीबी यानी मतलब जब से ये चेयरमैन बने थे उसके बाद इंग्लैंड इनके घर आई, न्यूजीलैंड इनके घर आई, माना वो अच्छी चीज़ें थी, माना वो एक पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेयरमैन पद से हटाने के बाद अपने देश की आलोचना करेंगे। आपको तो अपने देश को एक अच्छे ऊंचे स्तर पर लेके जाना चाहिए इंटरनेशनली, बल्कि आप जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली कहावत को सच करने में लगे हुए हैं। तो ये कुछ बिगड़े हुए बोल हैं, अगर इनका बस चलता तो ये तो सबको बैन कर देते, क्या बाबर, क्या वकार यूनिस और क्या वसीम अकरम। आप कमेंट्स के जरिए भैया आप ही बताइए कि ये बिगड़े बोल रमीज राजा के आपको कैसे लगे और क्या चल रहा है, मतलब क्या ही चल रहा है ये। मुझे लगता है कि रमीज राजा को जो है कमेंट्री में वापस लौट जाना चाहिए था, वो उसी में ठीक है, और बल्कि ये ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब वो अटेंशन सीकर हो गए हैं बेसिकली, अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन चाहिए क्योंकि उनको अटेंशन मिल नहीं रही, तो इसीलिए वो ऐसी बेतुकी हरकतें, ऐसी बेतुकी जवाब, ऐसे बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। तो कमेंट्स के जरिए सारी चीज़ें बताइए, साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को अपना
प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना जल्दी रमीज राजा अपने बयान बदलते हैं ना आप ही उतना जल्दी फटाफट से क्लिक कर दीजिए लाइक बटन पे और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।